अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी मसालेदार कलेजी। इसके लिए मैंने कलेजी ली है, ये आधा किलो है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखिए मैंने कढ़ाई ली है, इसमें हम मैंने 100 ग्राम ऑयल डाल दिया है। अब इसमें मेरा ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे कुछ साबित मसाले। इसके लिए हमने ये लिए साबित मसाले में ये दो, ये लकड़ी, ये आधा चम्मच जीरा, सफ़ेद जीरा, ये 8 से 10 गोल मिर्चें काली वाली, और ये एक बड़ी इलायची, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसको भून लेंगे, इसका जो है फ्लेवर तेल में आ जाए। ये हमने ये है 2 प्याज है मीडियम साइज की पीस ली है, इसको हम अब तेल में डाल देंगे। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। ये प्याज देखिए ये भून रहा है, इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी। हल्दी भी साथ में भून जाए, इसकी स्मेल बढ़ रही आ रहा है। इसलिए ये देखिए प्याज जो है ये भून गया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये कलेजी। ये देखिए हमने कलेजी डाल दी है, तो इसको अच्छे से इसमें भून लेंगे। इसमें डालेंगे अब हम आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। आधा चम्मच आधा लहसुन का पेस्ट और आधा देखिए कलेजी हमारी भून गई है। और इसमें लहसुन का अदरक का पेस्ट डालें जिससे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले पिसे हुए। इसमें हम डालेंगे ये 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच ये मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं, ज़्यादा या कम, जैसा आपको खाना पसंद है तो ज़्यादा डाल लीजिए। हमारे घर में जो है कम खाई जाती है, तो इसलिए मैं आधा चम्मच डाली हूँ। अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच दही, जो कि मैंने चम्मच से फेंट लिया था। इसको हम चला देंगे अच्छे से। ये देखिए कलेजी हमारी भून गई है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढकता कर देंगे धीमी आंच पर, लो फ्लेम पर गलने के लिए। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला, नमक लास्ट में हम डालेंगे। अब इसको हम ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसका हम ढक्कन हटा के देखते हैं। ये देखिए कलेजी गल गई है। अब हम इसका पानी जो कलेजी ने जो छोड़ा है, हम इसको जला लेंगे। इसको चला लेंगे अच्छे से। देखिए पानी इसका जल रहा है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच ये गरम मसाला पाउडर और कुछ अदरक है ये कटी हुई, ये हम डाल देंगे। ये 2 हरी मिर्च हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। और ये आधा नींबू इसमें निचोड़ देंगे। अभी हमने नमक नहीं डाला है, अब हम इसमें नमक डालेंगे। इसको चला के अच्छे से इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें और इसका पानी इसको हम भून लेंगे अच्छे से। इसका पानी हम चला लेंगे अच्छे। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच कसूरी मेथी, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है इससे। अच्छे से इसको चला लेंगे। ये देखिए कलेजी हमारी पूरी तरह से पक गई है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये रेडी है, गैस फ्लेम बंद करके हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमारी चटपटी मसालेदार कलेजी तैयार है। अगर आपको हमारी ये डिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें और हमारी हौसला अफजाई करें। थैंक यू।